आज की क्लासेस के अंदर हम लोग सीखेंगे बुकमार्क टैग को किस तरीके से यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसको जनरली यूज किया जाता है एक ही पेज पर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको लिंक क्रिएट करना हो। ओके, उसके लिए हम बुकमार्क टैग को यूज करते हैं। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विकिपीडिया की एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमारा ज्यादातर बुकमार्क का सेक्शन यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री क्लिक कर रहा हूँ तो हिस्ट्री का सेक्शन खुल गया और ये सारे लिंक वाइज एक ही पेज के अंदर सारा कंटेंट है। अभी हमें ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ रहा है, बट हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ही पढ़नी है। तो आप यहाँ से टॉपिक वाइज टॉपिक दिए गए, आप जिस टॉपिक पे आपको कैमरे के बारे में पढ़ना है कैमरे पे क्लिक कर दो, जस्ट सीधा कैमरे की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको बैटरी बैकअप के बारे में पढ़ना है या बैटरी बैकअप के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो लिंक किया हुआ है ये एक बुक मार्क के थ्रू किया गया है। कैसे लिंक करना है चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही प्रॉपर एक एचटीएमएल कोड क्रिएट करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पी टैग लगाया यानी कि पैराग्राफ टैग, जिसमें मैंने लिख दिया है जंप टू चैप्टर 4। यानी सीधा हम उस पर क्लिक करें तो सीधा कहाँ आ जाए, चैप्टर 4 पे आ। ये एक तरह की हेडिंग है। ये कौन सी हेडिंग है, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और ये कंटेंट सारा अलग बनेगा आपका। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये हमने इस पर लिंक भी दे रखा है ए हैरी हैश सी 4। ये हमने जंप टू चैप्टर लिख दिया 4 और ए से क्लोज कर दिया एंड पी से भी क्लोज कर दिया बिकॉज पैराग्राफ। ए क्यों लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक टैग लगाया है, ए हैरी यूज किया है तो वो भी क्लोज होगा। उसके बाद पी है मेन पैराग्राफ है तो वो भी क्लोज करे। तो मैंने दो चीज़ पे लिंक किया हुआ बेसिकली, ठीक है, तो वो हमने सेम कंटेंट डाल दिया। अब हमारा मेन जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे चैप्टर 1 है, ये हेडिंग आ गई, फिर ये नॉर्मली कंटेंट लिख दिया, उसके अंदर कितना भी कंटेंट हो सकता है, आप कितना भी कंटेंट यहाँ डाल सकते हैं। फिर ऐसे चैप्टर 2 है, उसका हमने कंटेंट डाल दिया। ऐसे मैंने मल्टीपल चैप्टर्स यहाँ बना लें, टोटल 23 तक बना रखे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आपने करना क्या है, बेसिकली जिसके अंदर आपको लिंक करना है उसके अंदर आपको आईडी देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिंक किया हुआ है, चैप्टर 4 को लिंक किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर 4 में एक आईडी लगाना है इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा से वो लिंक आपको देना जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपने C4 लिखा हुआ है तो यही लिंक आपको यहाँ डालना है। बस ध्यान रखना है स्टार्टिंग में हैश जरूर डालना, तभी इसे रिलेट करेगा कि यहाँ पे इस पर क्लिक करने में क्या होना चाहिए, C4 ओपन होना चाहिए। C4 क्या है, ये है चैप्टर 4। फिर ऐसे ही मैंने चैप्टर 10 लिंक किया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, मैंने यहाँ चैप्टर 10 पे भी लिखा हुआ, देखिए आईडी इक्वल्स टू C10 लिख दिया। इसमें नहीं लगाना है, जहाँ पे लिंक करना है ये तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो हैश जो लगाना है आपको ऊपर लगाना है, हैश जो होता है वो लिंक का काम करता है, ठीक है। और जो C4 रहेगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि किसको ओपन करना है, इस पर क्लिक करते हो कहाँ से जाएगा, C10 को ओपन कर देगा, डायरेक्टली ऊपर C10 आ जाएगा। लिंक क्रिएट करना होता है तो बस आपको ये ध्यान रखना है जिस पर आपको लिंक करना है, तो हालांकि आपको सभी पे करना है। आपने पता क्या करना है, सभी पे, जैसे चलिए मैं कुछ और बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने सेम ये चीज़ कॉपी किया और अब मैं यहाँ पे 5 वाले पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है, पूरा आपने इस तरीके से। और बस आपने ये क्या है, चैप्टर 5 है तो मैं यहाँ पे C5 कर दूँगा, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया 6 वाले पे भी, बस यहाँ पे क्या करोगे आप 6 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिंक करने के लिए क्या करना है, सेम यही चीज़ आप कॉपी कर लो, कॉपी एंटर पेस्ट एंटर पेस्ट, ओके। अब हमें क्या लिंक करना है, मुझे चैप्टर 5 लिंक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश तो लगा ही है, बस सी क्या कर देना है आपको 5 कर देना है, ठीक है, बस बाकी सेम रहेगा। हाँ, चैप्टर का नाम डाल दोगे, जो भी टॉपिक रहेगा वो डाल दोगे चैप्टर 5। फिर ऐसे ही हमने 6 पे भी किया है तो यहाँ पे सेम आप क्या करोगे, 6 कर देंगे और चैप्टर 6 है, जो भी टॉपिक का नाम होगा आपको यहाँ पे टॉपिक का नेम एंटर करना है, राइट। बस हो चुका है, अब आप इसको सेव कीजिए और आउटपुट में आ जाइए यहाँ पे F5। तो देख सकते हैं मैं जितना बनाया, चैप्टर 4 का बनाया, 10 का बनाया, 5 का बनाया, 6 का बनाया। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा, मैं 10 पे क्लिक करूंगा तो सीधा 10 पे आ गया। बैक आना है यहाँ, सीधा बैक पे, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा बैक आ रहा हूँ, ठीक है। फिर 6 पे जाना है, सीधा चैप्टर 6 पे क्लिक कर, वापस टॉप पे आना है, सीधा बैक पे क्लिक कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपस में लिंक बना सकते। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हमें यही चीज़ लेफ्ट में चाहिए तो हम दो टेबल बनाएंगे, यानी दो कॉलम ले लेंगे, एक इधर एक इधर, और ये जो हमें कंटेंट है हमें इस टेबल में लिख देना है और जो मेन कंटेंट है वहाँ डाल देना। बात कोई पड़ेगी, लिंक तो हमें ऐसे ही बनाना है, लिंक का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, लिंक ऐसे ही करना आपने। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस पहले हर एक में यहाँ पे आईडी आपको देनी है और आपको ये यहाँ पे नाम ध्यान से देना है क्योंकि वो इसी नेम से ही लिंक होगा, ठीक है ना, इसी से ही वो लिंक करेगा। C4 जो भी आपने दिया होगा नाम, तो वो आपको सेम नाम यहाँ डालना है जिस कंटेंट पे आप लिंक करना चाहते हैं। एक तरह का लिंक है, बस थोड़ा सा टैग चेंज हो गया, आईडी इसमें टैग लग रहा है बस, और ऊपर हैश के साथ हमें लिंक करना है, क्लियर। तो इस तरीके से आप बुक टैग को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेबसाइट में काफ़ी जनरली यूज़ किया जाता है इस टैग को, ओके। चलिए तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।